सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप के लिए एक और नया एपिसोड गाइज, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, प्राइमल फियर हार्डकोर का। सो गाइज, प्राइमल फियर हार्डकोर के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने इन्फर्नल टायरेनोसॉरस जो रेक्स है ना गाइस हमारा, उसको इवॉल्व करके उसको इन्फर्नल बना दिया था। और इन्फर्नल बनने के बाद तो भाई ये रेक्स फुल डू तो भाई मचा रहा है। और अभी तो मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं पिकॉन रिवेंज से डायरेक्टली भिड़ा दूँ, बट वो अपन इसको भिड़ाएंगे बट कल वाले एपिसोड में। कल जो है ना गाइस, अपने सारे के सारे डायरोस टेम होके हो जाएंगे। वैसे आज खत्म होने वाला था बट गाइस अभी इतने सारे डायरोस बचे हुए हैं ना कि मेरे को नहीं लग रहा कि आज भाई हमारा भाई प्राइमल फियर हार्डकोर खत्म हो पाएगा। लेकिन कल जो है ना गाइस, खाली इसके बाद 3-4 एपिसोड आएंगे, उसके बाद ये प्राइमल फियर जो हमारा हार्डकोर है वो खत्म हो जाएगा। कल के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सारा का सारा आज ही अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भाई, ये जो खतरनाक सा रेक्स है ना गाइस, इसको हमने पिछले एपिसोड में इवॉल्व करा था। और अभी आज के एपिसोड में जो भी बचे कुछ सेलेस्टियल्स है ना गाइस, उनको टेम करने का काम तुम्हारा भाई यहाँ पे करने वाला है। बट गाइस, आज का एपिसोड जो है गाइस, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाक से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी और हमारी ब्लॉगिंग चैनल की, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपका छोटा सा सपोर्ट भी हमारे लिए गाइस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते हैं आज के इस एपिसोड का शुभ आरंभ बिना किसी देरी के, और मचा डालते एकदम फुल टू तबाही ना मेरे भाई। बाकी तो आप गाइस यहाँ पे देख ही रहे हो गाइस कि हमारे पास कितने सारे डिमोनिक डायनोज है, कितने सारे सिलेस्टियल डायनोज है। और अभी तो गाइस काफ़ी सारे और डायनोज टेम करना बाकी है। मैं क्योस और स्पिरिट की तरफ तो बढ़ा भी नहीं हूँ, वो तो अपन करेंगे गाइस, आराम से करेंगे, कोई सीन नहीं है। अभी तो गाइस मेरे को खाली जो ना गाइस यहाँ पे सिलेस्टियल वाले डायनो चाहिए। सिलेस्टियल वाला रॉक ड्रैग, थाइलो, यूटी एंड बियर स्पॉन हुआ है भाई यहाँ पे, ठीक है। बचता कौन है गाइस इसमें से? फ्यूरोक्स अपने पास है, इंडोमेस रेक्स है, ग्रिफिन है, थीरी है, अर्जेंट है, विशेष पाइन है, सीकर नहीं है अपने पास, रेक्स है, एलू है, वाइवरन है, ब्रायनिक्स और सीकर नहीं है अपने पास यार। सो ब्रायनिक्स और सीकर जो है ना गाइस वो बच जाएंगे। या तो एक काम कर लेते भाई, एक मिनट रुक जाओ गाइस, रॉक ड्रेक ना गाइस, ये तीन जो देख रहे हो इन तीनों को बाद में करेंगे, अभी मैं रॉक ड्रेक को टेम कर लेता हूँ। दो दो है, दोनों को टेम करूँगा, चलो आ जाओ, दो दो रॉक ड्रेक को टेम करूँगा। अभी बोलो कि भाई क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पे जो है ना, रॉक ड्रेक को मैं अकेले को क्यों टेम कर रहा हूँ बताएं? क्योंकि 60-41 इधर आ, रॉक ड्रेक का ना मैं करप्टेड इवोल्यूशन निकालना चाहता हूँ। दो को टेम करूँगा, एक को मैं वैसे ही रखूँगा, और एक जो रॉक ड्रेक होगा ना उसका मैं करप्टेड वाला इवोल्यूशन निकालूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि आपने स्पाइनोसॉरस का हमारे देखा होगा कितना ज़्यादा ओपी बन गया था वो भाई, वाइवरन देखा होगा गाइज, वाइवरन भी कितना ज़्यादा, स्पाइनो को नहीं भाई मैंने भाई करप्टेड करा ना अभी तक, उनको भी करेंगे। वाइवरन को देखा होगा गाइज कितना ओपी बना था, वैसे ही हम रॉक ड्रेक को भी भाई करप्टेड करके एकदम ओपी बना डालेंगे गाइज। गाइज वैसे मैं हमारे रेक्स एंड स्पाइनो को भी करप्टेड प्लस असेंडेड वाला इवोल्यूशन दे सकता हूँ, बट वो अभी नहीं देंगे अपन भाई, ठीक है। उनका भी इवोल्यूशन भाई मैं यहाँ पे भूल गया था कि उनको भी इवोल्यूशन होता है गाइज यहाँ पे, आ जाओ। अभी तो पहले चल के ना यहाँ पे हम लोग भाई हमारे रॉक ड्रेक्स को भाई टेम कर लेते हैं। फर्स्ट लोकेशन है 9859, यही पे सीधा सीधा चलो 9859, ओके ठीक है। इधर को थोड़ा सा कुब्जेवाड़ी में संभल के बेटा। वैसे रॉक ड्रेक का स्पेशल अटैक क्या होता है मेरे को पता नहीं। अच्छा 9859 सीधा सीधा, ओके कहाँ पे सीधा भाई, एज पे पहुँच गया मैं, 98 और 59 ये भी कहीं पे होना चाहिए, ऊपर से दिखाई नहीं देगा यार। अरे यार कहाँ पे, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा कहाँ पे, ये रहा गाइज, देखो 4 मिलियन गाइज। एक ओरिजिन पड़ी हुई है मेरे पास, एक ओरिजिन पड़ी है, हिल गया भाई वो हिल गया यार, वो हिल गया। एक ओरिजिन पड़ी थी वो भी भाई खत्म, भाई भग जाओ ऊपर भाई, ऊपर भग जाओ भाई, ऊपर भग जाओ,
बावड़ा हो गया भाई रॉक ड्रेक। वैसे रॉक ड्रेक क्या अटैक दे सकता है ये मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है यार, ठीक है। रॉक ड्रेक क्या क्या कर सकता है बिल्कुल भी पता नहीं है। मैंने टेम करा है रॉक ड्रेक, लेकिन मैंने लास्ट टाइम कब रॉक ड्रेक टेम करा था ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। पिछला वाला जो सीजन था उसमें शायद से मैंने रॉक ड्रेक जो ना कहते टेम नहीं करा था, ठीक है, उस रीजन से। और या फिर पिछले के पिछले सीजन में भी मैंने रॉक ड्रेक टेम नहीं करा था। सो नो आइडिया कि रॉक ड्रेक सर जी का जो अटैक है ना गाइस वो क्या होता है, और इसके पास कोई अटैक होता भी है या नहीं ये भी मेरे को पता नहीं है। भाई सिलेस्ट्रियल ब्रीद डालने की कोशिश करी इसने, बट गाइस नहीं डाल पाया, अनसक्सेसफुल रहा। भाई इसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा गाइस, 4 मिलियन भाई। यहाँ पे भाई बैठ के मस्त भी मारूंगा उसको, ठीक है। ये ऊपर नहीं आ पा रहा है, ऊपर नहीं आ पा रहा, वही बैठ का हुआ है। ये ले ले बेटा, ले बेटा, दे दे रहो गाइस, दे दे रहो, इजी ब्रदर, वही बैठ का हुआ है। मेरे को बता भी नहीं मैं सही मार रहा हूँ कि नहीं, मैं खाली गोलियां डाले जा रहा हूँ गाइस, खाली गोलियां डाले जा रहा हूँ। 3.4 मिलियन, लेट्स गो ब्रदर, हियर वी गो। ले बेटा, ले बेटा, 3.8, नाइस वन, नाइस वन ड्यूड, ओके, हियर वी गो, हियर वी गो, कम ऑन। अबे यार कम ऑन ब्रदर, आराम से भी, ये तो अटैक नहीं करेगा वैसे। भाई गाइस टॉर्पोड चढ़ गया भाई, उसको पावर डाउन कर दिया इसने, अपने आप का पावर डाउन कर दिया भाई साहब। भाई खतरा देखा आजू बाजू, खतरा तो है नहीं, ऊपर कार ने वो नहीं आएगा उंगली करने भाई। आ जाओ चलो गाइस, भाई फटाक से इसको 2 किबल के लाके जेना गाइस, अपन लोग टेम कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अपने पास गाइस 2 और खतरनाक से सिलेस्ट्रियल डायनोस आने वाले, ठीक है, मतलब 2 रॉक ड्रेक आने वाले। आ जाओ भाई, हो जा टेम, अरे जल्दी जल्दी, कितना 50x डाला है, 50x उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्या? ले भाई 100x ले ले, हो गया भाई 100x डाल, 200x डाला था। ओ येस, क्या ओपी लग रहा है गाइज, क्या ही ओपी लग रहा है। आ जाओ चलो गाइज अगली लोकेशन पे चलते हैं। अगली लोकेशन क्या है भाई, 62-42, ओके 42 बोले तो कहीं पे भाई बीच में होगा, 62-42 पहाड़ियों के पास भाई, ठीक है चलो आ जाओ। ये पहाड़ियों के बीच में भाई 62-42 पे हमको जाना है, एंड वहाँ पे हमको रॉक ड्रेक मिल जाएगा। 62-42 ऑल राइट, ऊपर साइड में एक तो इनविजिबल होते हैं। अबे ये तो अपनी मेटल वाली पहाड़ी है, अरे तो इनविजिबल होते कहाँ है, समझ ना आ रहा कहाँ पे भाई, व्हाट द हेल ड्यूड। 62-42, वेट अ मिनट, 62 पे अपन आ चुके हैं, 42 बोले तो यहाँ पे। इतना भी ब्लाइंड नहीं होगी, एक रॉक ड्रेक बड़ा सा ना दिख जाए, कैमोफ्लेज पहना हुआ भाई, वेट अ मिनट, मर गया क्या गाइस ये, शायद से गाइस इसकी समाधि बन चुकी है गाइस, शायद से इसकी समाधि बन चुकी है। ना दिख नहीं रहा गाइस, रुक जाओ मैं लोकेशन चेकआउट कर लेता हूँ एक और बार कि यहाँ पे इसको किसी ने टेम करा या फिर ये मर गया गाइस, ठीक है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे लैंड करा दे भाई, हाँ जी लैंड करा दो सर। भाई रुको गाइस, मैं देख लेता हूँ कि रॉक ड्रेक का क्या सीन है। एपेक्स ने सिलेस्टियल 58-39, ऑल राइट, भग रहा है गाइस, भग रहा है गाइस, 58-39 पे गाइस हमको मिल जाएगा ये, ओके। सो यहाँ पे कहीं पे 58 और 39, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये लोकेशन तो हाँ यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे भाई ये, भाई एक फटके में उड़ाना डाले जमीन पे कहीं पे, वो रहा इनविजिबल मोड दिख रहा है मेरे को उसका, वो रहा गाइस, दिख गया, दिख गया, दिख गया गाइस, दिख गया, दिख गया गाइस, दिख गए सर जी हमको, दिख चुके हैं गाइस। आ जाओ चलो, आ जाओ अभी इन सर जी को जो ना गाइस एकदम मस्त पे की यहाँ पे हम लोग नॉकआउट कर लेंगे, ठीक है, ओके भाई 400। भाई पानी में आ जा भाई, पानी में तो ये खास कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी मूवमेंट स्पीड भी पानी में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। सर जी पावर अप करके कोई फायदा नहीं, आना तो आपको, ओह शिट ड्यूड, बंदर खेलना नहीं सर उसको,
बंदर सरजी उसको पेलना नहीं भाई, बंदर सरजी है वहाँ पे, इसने अटैक दे दिया ना तो बैंड बज जाएगी मेरी। व्यू काफ़ी तगड़ा वाला है यहाँ से, मेरे को भाई काफ़ी सही वाला एंगल मिल रहा है। अरे बावड़ों की तरह भगे जा रहा है गाइस यहाँ पे। ठीक है इधर आ, इधर आ, थोड़ा गाइस उस बंदर से दूर लेके जा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है ओके, अभी ये भगेगा, अभी ये भगेगा जितना मेरे को लग रहा है, अभी ये भगेगा। ये रहा गाइस, भाग रहा है गाइस, भग रहा है ओके, भाग रहा है गाइस, भाग रहा है, डन। कितना दो की बल गाइस, इसके लिए भी दो की बल चाहिए, खतरा तो नहीं है। आ जाओ गाइस, लेट्स गो गाइस। भाई इजी हो चुका है यार, डायनोस को टेम करना ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है अभी तो। ये ले भाई 200x वाला भाई टेमिंग पोशन एंड हो जाए टेम भाई। ठीक है लेट्स गो गाइस। ओ इसका वाइट कलर है क्या, और उसको जो पहले टेम करा था उसका ब्लू कलर था मैं भी। हो जाना भाई, हो गया हो गया, हो रहा है गाइस, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, हल्लो हल्लो हो रहा है, हल्लो हल्लो हो रहा है भाई। आहा लेट्स गो गाइस, हमारे पास फाइनली दो दो सिलेस्टियल वाले जो रॉक ड्रेक्स होते हैं गाइस वो आ चुके हैं भाई। मजाक हो रहा है क्या ब्रदर भाई, दो दो सिलेस्टियल वाले रॉक ड्रेक भाई, सही है। चलो भाई रुको गाइस, मैं आपको ना भाई हमारे प्यारे प्यारे से दो दो सिलेस्टियल रॉक ड्रेक्स जो है ना गाइस वो दिखा देता हूँ। ठीक है रेडी हो गाइस, ओके दो दो प्यारे प्यारे से सिलेस्टियल रॉक। ये रहा है का हमारा फर्स्ट 824 लेवल का सिलेस्टियल रॉक ड्रेक, एंड ये रहा गाइस हमारा सेकेंड वाला भाई, पता नहीं कितने लेवल का था बट ये देखो गाइस, ये रे हमारे दो रॉक ड्रेक भाई। कुछ ज़्यादा है, दूर स्पॉन कर लिया भाई इन दोनों को, मैं थोड़ा नज़दीक स्पॉन कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों को ना एक साथ दिखा सकूँ। हाँ जी ओके ओके गाइज, ये देखो ओ मेरी जान, हाँ हाँ कैसे लग रहा है गाइज, है ना खतरनाक। ये व्हाइट वाला है, ये है ब्लू वाला गाइज। ठीक है इसका पूरा बॉडी व्हाइट है और बीच में ब्लू लाइन है, इसका पूरा बॉडी ब्लू है और बीच में इसके व्हाइट लाइन है गाइज। ठीक है बाकी तो गाइज दोनों काफ़ी ओपी लग रहे हैं। ये वाला जो रॉक ड्रेक है इसको शो की तरह अपन भाई यहाँ पे रखने वाले हैं गाइज। ठीक है इसका अपन यूज जो है ना गाइज ज़्यादा नहीं करने वाले, ऑलराइट इसको शो की तरह गाइज अपन यहाँ पे रखने वाले, शोपीस की तरह जैसे कि इन लोग को रखा है, एंड जो सेकंड वाला था ना उसको अपन लोग इवॉल्व करेंगे। ठीक है इस रॉक ड्रेक को ही पे रख दे और सेकंड वाले को दो इवोल्यूशन देने, फर्स्ट तो सिलेस्टियल इवोल्यूशन एंड सेकंड वाला करप्टेड इवोल्यूशन। सो मैं इसका सिलेस्टियल इवोल्यूशन सोल ले लेता हूँ एंड करप्टेड वाला इवोल्यूशन जो भाई वो है ना गाइस नूडल वो यहाँ पे बना लेता हूँ। लेट्स गो गाइस, और सॉरी सर रॉक ड्रेक का सैडल तो हमने लिया ही नहीं है गाइज। सो रॉक ड्रेक टेक वाला, हाँ सिलेस्टियल रॉक ड्रेक का टेक वाला सैडल चाहिए रे मेरे गो गाइज, टेक वाला सिलेस्टियल रॉक ड्रेक का सैडल भाई, लेट्स गो खतरनाक गाइज। आ जाओ भाई डायरेक्टली ना टेक वाला सैडल इसको बनाने वाले, एकदम ओपी बना डालेंगे गाइज इसको। ओके ये सैडल पहन ले भाई, ओके टेक वाला पहनने के बाद कैसे लग रहा है, अरे वेजे भाई एकदम तो सिंसियर बंदा लग रहा है भाई ये तो, टेक वाला सैडल पहनने के बाद। बाकी हेल्थ की बात करें तो आई डोंट नो कितनी हेल्थ बढ़ाई यार मैंने इसकी, 500 मिले 58 मात्र, अरे यार मुश्किल से भाई इसकी भाई 100 मिलियन होगी मुश्किल से। मेरे को नहीं लग रहा गाइस कि यहाँ पे ना इसका डैमेज उतना तगड़ा वाला जाने वाला है गाइस। रॉक ड्रेक को टेम करके शायद हम लोग 50 सकते हैं गाइस। बाकी आप इसका लुक देख लेना, अटैक की बात करें बाइट अटैक इसके पास, ये पता नहीं कौन सा अटैक है, सी पे फुल टू इनविजिबल गाइस, मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के बैठा बाबा। ठीक है इनविजिबल मैन बन चुका है ये, ऑलराइट ऐसी पावर अगर आपके आपके पास होती इनविजिबल होने की इस रॉक ड्रेक की तरह तो आप लोग क्या करते बताओ, मुझे पता है सारे ठरके बड़े पड़े यहाँ पे भाई। चलो आ जाओ भाई यहाँ पे ना भाई इसकी भाई वापस से जो ना यहाँ पे भाई पावर छीन लेता हूँ मैं, एंड एक्स पे मुझे आग छोड़ रहा है, ये तो गन का है वो भाई, कुछ भी अटैक नहीं यार भाई इसके पास, क्या अटैक है बताए स्पेशल वाला, ये इसका स्पेशल अटैक है, यस ये इसका स्पेशल अटैक है, मुंह से आग छोड़ने वाला ये इसका स्पेशल अटैक है बेटे। यार अभी पता चला कि मैंने जो ना इतने सीजन में रॉक ड्रेक क्यों नहीं डैम करा था। ठीक है गाइस अभी पता चला भाई क्यों नहीं इसको डैम करा था, भाई पछता रहा हूँ भाई इसको डैम करके मैं, जैसे कि अभी पछता रहा हूँ। उड़ जा भाई, आहा आई बिलीव आई कैन फ्लाई, ओह यस ब्रो लेट्स गो बाय द डैग
अच्छे मिले। ओ इसका बाय डेटा काफी तगड़ा जा रहा है। इम्प्रिंटिंग पोशन खिला के पावर अप करके अगर सीवाल अटैक दबा, हाँ अगर मैं इसका अटैक देखूँ तो 11 मिलियन का अटैक जा रहा है गाइज, नॉट दैट बैड। और एक अटैक 1 मिलियन का इसका स्पेशल अटैक जा रहा है। कोई स्पेशल अटैक है जिसके पास नहीं है भाई। इसका जो डैमेज है ना गाइज 11 मिलियन का, वो मेरे को खास कुछ उतना पसंद आया नहीं गाइज, आप समझ रहे हो। देखो ये अटैक ना, आई डोंट लाइक इट गाइज, मेरे को उतना खास कुछ जो है ना गाइज पसंद नहीं आया ये अटैक। बाकी आपको कैसे लग रहा है गाइज ये अटैक है, कैसे लग रहा है? मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया गाइज। इसका अटैक जो है ना गाइज काफ़ी ज़्यादा कम है। एक काम कर लें, करप्टेड इवोल्यूशन के बाद इसका डैमेज जो ना गाइज उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मेरे को भी पता है। बस फिर भी ट्राई मार लेते भाई। करप्टेड इवोल्यूशन के बाद तो छिली हुई मुर्गी बन गया गाइज। देखो छिली हुई मुर्गी, एक भी बाल नहीं बेचारे के शरीर के ऊपर भाई, फुल छिली हुई मुर्गी बन चुका है। ठीक है भाई, पावर अप, चलो आ जाओ सर। 15 मिलियन, ना ना घटिया है भाई, घटिया है गाइस अटैक घटिया है गाइस, पसंद नहीं आया भाई अपन को। मेरे को तो गाइस बिल्कुल पसंद नहीं आया है। रुको वेट अ मिनट गाइस, हाँ वेट अ मिनट, उठ जा भाई। कितना दे रहा है, कितना भाई? अबे डायनो कहाँ पे? हाँ ये रहा, 15 मिलियन है यार। मुझे लगा इनविजिबल होने के बाद शायद इसका डैमेज बढ़ सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो आ जाओ गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सिलेस्टियल सोल डाल के डायरेक्टली बोल कर देते, आ जाओ। ये भी कहूँ सैडल निकाल लिया गाइस मैंने इसका, आ जाओ। चलो इसको असेंडेड डायनो बना रहे भाई अपन, असेंडेड करप्टेड सिलेस्टियल रॉक ड्रेक गाइस। ऑलराइट भाई, इसको असेंडेड बनाने के बाद भी इसका लुक ना, ओ काफ़ी ओपी दिख रहा है यार अभी तो। मैं बोलने वाला था टट्टी दिखेगा, बट अभी जो ना गाइस इसके ऊपर टेक वाला सैडल अभी भी भाई सूट नहीं कर रहा यार, भाई सूट नहीं कर रहा है टेक वाला सैडल, लेकिन ठीक ही है। चलो ठीक ही है भाई, उतना भी बुरा नहीं है गाइस, उतना भी बुरा नहीं है। लेवलअप करनी पड़ेगी ना शायद से, एक्सपी पोशन गो, बस कितनी इनफ रहेगी। ज़्यादा भाई पॉइंट्स ना इसके हेल्थ में मैं नहीं डाल रहा हूँ, मेरे को इसका डैमेज चाहिए गाइस। हेल्थ का क्या चार डालूंगा भाई इसके, मेरे को इसका डैमेज चाहिए एकदम तगड़ा वाला। एक काम कर ले, हाँ भाई एडी कर ले, एफएम के पोशन खिलाने के बाद वैसे भी गाइस इसकी 100 मिलियन हो जाएगी। ओके 90 हो गया यार, ओपन हो गया भाई, 90 मिलियन हो गई, 100 नहीं हुई भाई। थोड़ा सा भाई इधर उधर निकल जाते यार कभी कभी। चलो कोई ना नो प्रॉब्लम हो भाई। अभी इसका अटैक देखना है कितना जा रहा है। एफएम के पोशन गाइस मैंने इसको खिला दिया है, पावर अप, ऑलराइट। एंड पावर अप के बाद सर्जी का अटैक 60 मिलियन जा रहा है गाइस। ठीक है भाई 60 मिलियन, बट गाइस मैंने जितना सोचा था उतना नहीं जा रहा है, बट ठीक है यार 60 मिलियन गाइस यहाँ पे उतना भी बुरा अटैक तो नहीं है गाइस। प्लस गाइस ये किसी भी सरफेस पे चढ़ सकता है भाई, रॉक ड्रेक की एबिलिटी पता है। ऐसे जाओ, चिपक जाओ, इजी पीजी क्लाइम ना मेरे भाई, कहीं भी क्लाइम करना है भाई रॉक ड्रेक को लेके जाओ। आप सोच रहे हो कि हाँ भाई ऐसा उल्टा पुल्टा सतह होगा तो चढ़ेगा नहीं, ना कैसी भी सतह हो भाई, ठीक है भाई अपसाइड डाउन ना क्यों इसको चलना पड़े, ये भाई अपसाइड डाउन भी चल लेता भाई। देख रहे हो ये होती है गाइस इसकी असली पावर भाई। बट गाइस इसका डैमेज बहुत ज़्यादा घटिया है गाइस, बहुत ज़्यादा घटिया है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई इसका डैमेज। 7 मिलियन का गाइस अटैक जा रहा है गाइस इसके फायर ब्रीथ का, बाकी 60 मिलियन जो गाइस इसका फायर अटैक जा रहा है वो काफ़ी ओपी लगा मेरे को। एंड क्या मैं अपने भाई आइलैंड पे चढ़ पाऊंगा? वेट अ मिनट, चल चिपक जा आइलैंड पे। अबे यार ये कहाँ हो रहा भाई, मेरे को अपने आइलैंड पे चिपकना है भाई स्पाइडरमैन की तरह। रुको, मैं अपने आइलैंड पे चिपकता हूँ गाइस, मैं अपने आइलैंड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है। गाइस इसको मैं यहाँ पे इसे टंगा के चला जाऊँ क्या, क्या बोलते हो गाइस? ये यहीं पे रहेगा गाइस, ठीक है। अगर अपन इसका भाई छोड़ के चले जाएंगे ना तो, अरे नहीं यार इसका स्टैमिना होता है ना, स्टैमिना जाएगा तो फिर भाई यहाँ पे नहीं रहेगा वो भाई। देख रहे हो, हे ना भाई चिपकली, देखो चढ़ गया भाई, चढ़ गया ऊपर, चढ़ गया गाइस ऊपर, चढ़ गया। आहा लेट्स गो ना मेरे भाई, खतरनाक यार। रॉक ट्रिक की ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ओपी है। प्लस इसकी एक और एबिलिटी होती है जो कि होता है जुड़ूप करके अटैक करने की,
जो कि 3000 का डैमेज दे रही है। मुझे लगा था कुछ ज़्यादा डैमेज देगा, बट ना गाइस उतना ज़्यादा डैमेज नहीं जा रहा है। वैसे गाइस ये रॉक ड्रेक ना, सच बोलूँ मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। डैमेज तो इसका ठीक ही है, बट इसके पास ना सिलेशियल होने के बाद एक भी कोई स्पेशल अटैक नहीं है। ये बात मेरे को काफ़ी ज़्यादा खटक रही है भाई। सिलेशियल है भाई तू, भाई नल्ले नल्ले सिलेशियल डायनो के पास भी सिलेशियल बॉम्ब होता है आजकल, बड़े रॉक ड्रेक के पास नहीं है भाई सिलेशियल बॉम्ब। बताओ भाई, बाकी इनविजिबल होकर उड़ने में अलग ही मजा आएगा, इससे अपन भाई काफ़ी सारे बंदों को ट्रोल भी मार सकते हैं एकदम मस्त बिके। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसे इनविजिबल होके मस्त बिके उड़ दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम हो भाई। यहाँ पे जो भाई बंदों का घर था, वो बंदे अभी तक है या फिर वाइप हो गए गाइज, स्वा हो गया उनका। रुक जा ऊपर जाके देख लेता हूँ, टेम्पल में चल भाई, देखो चल दे ऊपर और देख लेते क्या सीन है भाई। गए भाई, गया गया इन लोग के भाई डायनोज यहाँ पे भाई रुक चुके हैं, मतलब भाई ये बंदा मर चुका है यहाँ पे, सही है। चलो भाई लेट्स गो। तो भाई लोग आप बताना, आपको गाइस हमारे सिलेस्टियल वाले एक नहीं दो दो ठीक है रॉक ड्रेक कैसे लगे, और खास करके ये वाला रॉक ड्रेक जिसको मैंने करप्टेड प्लस असेंडेड वाला लुक दिया है, ये रॉक ड्रेक खास करके आपको कैसे लगा वो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना गाइस। और अगर आपको हमारे पैर पैर से रॉक ड्रेक्स पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर पसंद नहीं आए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। हर तरफ से भाई आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, आपको फिर चाहे पसंद आए या फिर ना आए गाइस, ठीक है। रुको चिपक जा भाई, हाँ बन जा चिपकली, लेट्स गो चला जा, चढ़ जाओ पर। हाँ हाँ पहुँच गया गाइस अपन घर पे, हो बाय लेट्स गो। तो फिर गाइस चले मिलता है सीधा अगले एपिसोड में प्रैमोल पे राइड कर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.